हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग विद राज में, जहां पर मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स जिनकी स्ट्रांग फंडामेंटल्स होती है और हाई इंट्रेंसिक वैल्यू होती है। तो दोस्तों, ये रही वीडियो वन के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं, ओवरऑल रिटर्न जो है वो काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है, 32.5% दे रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स जो कि 6.3 एंड 5.5% दे रहे हैं। अगर स्टॉक्स की बात करें तो टाटा पावर में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, 51% से 43% पे आया है। GSCL जो है वो 37% रिटर्न दे रहा है, पहले 30% दे रहा था। टीन प्लेट जो है वो भी 33% पे आ रखा है। हिम्मत सिंह का सीएट जो है वो भी 33% दे रहा है, 15% दे रहा था पहले। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स जो कि मैंने लास्ट वीक एग्जिट किया है, जिसमें 62.80 पे वो अपने लेवल पे बना हुआ है, उसने ऐसा कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है। जिंदल स्टील जो है वो 65% दे रहा था पिछले हफ्ते, इस हफ्ते वो 61% पे आया है। नालको इंप्रूव हुआ है, पहले 6.8% दे रहा था, अभी 10.2% दे रहा है। तो दोस्तों, यह है वीडियो टू के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस। मैग्मा फिनकॉर्प जो कि लास्ट वीक ओनली 2.5% दे रहा था, इस हफ्ते 29.8% दे रहा है, इसमें काफ़ी दिनों से अपर सर्किट लग रहा है। NBCC भी इंप्रूव हुआ है, लेकिन DBCorp, वेल्सपन कॉर्प, ऑर्गिड एक्सपोर्ट्स ये थोड़ा सा नीचे आए हैं। HUDCO जो है वो भी थोड़ा नीचे आया है एज़ कम्पेयर टू पिछले हफ्ते। SH किलकर काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है, 43.1% का। मुझे लगता है कि अगले आने वाले 8 से 10 दिनों में ये पक्का 50% क्रॉस कर लेगा, वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं, इसे कोई इशू नहीं है। ओवरऑल रिटर्न जो है वो हमारा 23.5% आ रहा है, जबकि निफ्टी एंड सेंसेक्स में 13.0% एंड सेंसेक्स जो है वो 12.5% के करीब रिटर्न दे रहा है। तो दोस्तों, ये रही हमारे वीडियो थ्री के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं, ओवरऑल रिटर्न जो है लगभग 18% आ रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स जो कि 10% दे रहे हैं। PTC इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। बिरला सॉफ्ट पिछले हफ्ते के मुकाबले थोड़ा नीचे आया है। टूरिज्म फाइनेंस में अभी एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा दोस्तों, कि मैं इस स्टॉक को एग्जिट करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक मंडे को करंट मार्केट प्राइस पे। तो जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है मेरी रिकमेंडेशन की वजह से, वो भी इसे एग्जिट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा नीचे जाएगा और इसमें अभी बने रहने का कोई मतलब नहीं है। जागरण प्रकाशन जो है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, रिटर्न थोड़ा कम है, पिछले हफ्ते 10% तक गया था लेकिन अभी 4% पे आया वापस। तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम दे इसको और अच्छा परफॉर्म करेगा। एलआई डिजिटल से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ, पहले ही हफ्ते 16% रिटर्न दिया, देन नेक्स्ट वीक 40.8% का रिटर्न आया, उसके बाद अभी 62.1% का रिटर्न आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मुझे लग रहा है कि 25 to 28 का लेवल दिखेगा ही दिखेगा इसमें, तो इसमें आप बने रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही वीडियो फोर के स्टॉक्स की परफॉर्मेंसेज। जैसा कि आप देख सकते हैं, ओवरऑल रिटर्न जो है 15% का बन रहा है, पिछले हफ्ते 16.7% था, इस हफ्ते 15% आ रहा है, लेकिन एज कम्पेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स काफ़ी बेटर है। मुझे लगता है इस पोर्टफोलियो को हमें थोड़ा टाइम और देना पड़ेगा, क्योंकि दो ही हफ्ते हुए हैं इसमें इन्वेस्ट करके। मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक्स जो है 50% रिटर्न हमें आराम से देने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं, तो मैं आई बटन में इसकी लिंक दे दी है, आप प्लीज़ उसमें जाकर के एक बार वीडियोस को देखिए, ताकि आपको इन सब सारे स्टॉक्स की फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पता चले। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना, ताकि आपको रियल टाइम डिसीजंस में शेयर कर सकूँ। और दोस्तों, मेरा मैंने टारगेट रखा है 1000 लाइक्स का, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए इसको 1000 लाइक्स को अचीव करने में। तो दोस्तों, इस हफ्ते की अंडर वैल्यूड स्टॉक की लिस्ट में पहला नाम है केल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड, करंट मार्केट प्राइस 14 पर शेयर, इंट्रेंसिक वैल्यू जो है वो 39 पर शेयर निकल के आ रही है। फ्लॉलेस बैलेंस शीट है, अंडर वैल्यूड है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, पिछले 5 साल में अच्छा ग्रो कर रही है 25% पर ईयर से, रेवेन्यू जो है वो भी मीनिंगफुल है, डेट लेवल काफ़ी लो है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो से वेल कवर्ड है, करंट प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छे रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी काफ़ी हाई है। सिर्फ ये डिविडेंड पे नहीं करती है और मैं इसका PEG रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकता, बाकी तो मुझे इसमें और कुछ नज़र नहीं आ रहा है ऐसा रिस्क, तो इसमें इन्वेस्ट मैं करने वाला हूँ इस हफ्ते। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों, अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, करंट मार्केट प्राइस 71.70 पर शेयर है, इंट्रेंसिक वैल्यू जो है 132 पर शेयर निकल के आ रही है, काफ़ी अंडर वैल्यूड है, सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इनका। कंपनी करंटली प्रॉफिटेबल है, अर्निंग्स भी काफ़ी अच्छी फोरकास्ट हो रही है, 19.7% पर ईयर ग्रो करेंगे अगले 3 सालों तक, पिछले साल की अर्निंग्स भी काफ़ी अच्छी रही है, PG रेशियो भी काफ़ी अच्छा है इनका, और डेट जो है वो भी वेल कवर्ड है ऑपरेटिंग कैश फ्लो से, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू बाकी। डेट टू इक्विटी रेशियो वो भी थोड़ा ज़्यादा है, बट इन्होंने रिड्यूस किया है पिछले 5 सालों में 90.7% से 55.7% पे। PB रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, मुझे लगता है कि इस प्राइस से लेकर 65 की रेंज में अगर हम इसे बाय करें तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है ये। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड, करंट मार्केट प्राइस 56.90 पर शेयर, इंट्रेंसिक वैल्यू जो है 157 पर शेयर आ रही है, एक्सेलेंट बैलेंस शीट है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल है इनका, फिलहाल अनप्रॉफिटेबल है लेकिन अगले 3 सालों में फोरकास्ट हुआ है कि प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, अर्निंग्स जो है वो भी फोरकास्ट हुई है कि ग्रो करेगी ऑन एन एवरेज 87.1% पर ईयर अगले 3 सालों तक, डेट लेवल काफ़ी कम है, डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी कम है, 35.9% है लेकिन उन्होंने उसको भी रिड्यूस किया 32.4% 5 सालों में।
रेवेन्यू जो है वो 24.9% पर ईयर से फोरकास्ट होगा कि ग्रो करेगा, जो कि ऑन एन एवरेज इंडियन एवरेज जो है 20% पर ईयर का उससे ज़्यादा है। डेट जो है वेल कवर्ड है ऑपरेटिंग कैश फ्लो से। फिलहाल नेगेटिव रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी काफ़ी कम है क्योंकि अनप्रॉफिटेबल है। पी रेशियो वो भी नेगेटिव है क्योंकि अनप्रॉफिटेबल है। फिलहाल अगर इसे बाय करें तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं इसमें। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों कुदुम जी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 13.7 पर शेयर है। इंट्रेंसिक वैल्यू जो 92 पर शेयर निकल के आ रही है। फ्लॉलेस बैलेंस शीट है और अंडर वैल्यूड है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, हाई क्वालिटी अर्निंग्स है और पिछले 5 सालों में 17.7% पर ईयर ऑन एन एवरेज ग्रो कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 19.5% है जो कि सेटिस्फैक्ट्री है और इन्होंने रिड्यूस किया है लगभग 10% पिछले 5 सालों में। डेट जो है वो वेल कवर्ड है ऑपरेटिंग कैश फ्लो से 19.9% से। अर्निंग ग्रोथ जो है वो मतलब 5 साल की जो एवरेज है, पिछले साल की अर्निंग ग्रोथ 5 साल की एवरेज को एक्सीड कर चुकी है। करंट नेट प्रॉफिट मार्जिन वो भी काफ़ी अच्छे हैं। सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो थोड़ा कम है, बाकी पी रेशियो पीबी रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। अगर फिलहाल इसको 13 रुपीज़ से लेकर करंट मार्केट प्राइस के रेंज में बाय करें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न ये दे सकती है। तो दोस्तों ये रहे वो अंडर वैल्यूड स्टॉक जिसमें मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा ताकि मेरा जो टारगेट 1000 लाइक्स का मैं उसे अचीव कर सकूँ, और आप ही के लाइक से यूट्यूब जो है इस वीडियो को रेकमेंड करेगा नए नए लोगों को। साथ ही आप शेयर ज़रूर करिए ताकि मिडिल क्लास रिटेल इन्वेस्टर्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो सही डिसीजन ले करके इन्वेस्ट कर पाएँ किसी भी स्टॉक में। साथ ही आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आपको किसी स्टॉक की एनालिसिस चाहिए तो। अगर आपने किसी में इन्वेस्ट किया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें मैं क्या करूँ, एग्जिट करूँ, होल्ड करूँ या एवरेज करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियोज़ आएँ आने वाले समय में उसकी नोटिफिकेशन आपको जाए और आप कनेक्टेड रहे मेरे साथ। साथ ही आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मैं आपको रियल टाइम डिसीजंस और कम्युनिकेशंस देता हूँ। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप मेरे पुराने वीडियोस को भी देखिए ताकि आपको पता चले मैं एग्जैक्टली करता क्या हूँ, मेरा स्ट्रैटेजी क्या है इन्वेस्टमेंट का। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग।